हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से मेरा एक न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और हम अभी हैं बोलबा जाने वाला रोड में। देखिए जस्ट यहाँ पर बगल में पुल है, वो दिख रहा होगा आप लोग को। ये देखिए ये पुल पार करके जस्ट बोलबा है, तो पहुँच ही गए। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग छाया में रुके हुए थे, हम और शानू हैं। तो फ्रेंड हम जा रहे हैं बोलबा क्योंकि हो रहा है छठ पूजा। ये छठ पूजा है जो साल में दो बार होता है, एक कार्तिक में और एक चैत में। तो ये चैत वाला है। आज है संझ की अर्घ और आज हम जा रहे हैं। हम कल ही आते हैं मतलब शनिवार को 13 तारीख को, लेकिन मेरे पापा को बहुत ज़्यादा कुत्ता काट लिया तो बोलबा से रेफर कर दिया है सिमडे का। बहुत ही ज़्यादा हाथ में जख्म कर दिया है तो उसकी वजह से हम कल नहीं आ पाए, लेकिन अभी फिलहाल जा रहे हैं। इधर ले लिए हैं प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए ना बेटा, चलते हैं ना। तो आप सबको भी छठ पूजा का ढेर सारी शुभकामना और छठी मैया का कृपा आप सब में बनी रहे। तो फिलहाल हम लोग पहुँचते हैं घर, उसके बाद सीधे मिलते हैं सामने। प्रणाम करो बेटा, प्रणाम करो। चलो सो फ्रेंड, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नदी। ये देखिए हम लोग का घर जगह से लगभग 1 किलोमीटर होता है, तो हम लोग पैदल आते हैं। और ये जो चैती वाला छठ है इसमें ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, कार्तिक वाला छठ में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। आज डूबता हुआ सूरज को अर्घ देंगे और सुबह में फिर उगता हुआ सूरज को। बादल बादल कर दिया तो पूरा मौसम खराब लग रहा है। ए सानू नीचे से आओ, इधर सूप लेके दीदी आगे आगे जा रही है और हम सूप नहीं बोहे क्योंकि मेरा सानू है। हम सोचे कि सानू गोदी करवाएगी, लेकिन जीजा देखिए सानू कैसे आज पैदल पहुंच गई। हाँ बनाएंगे, गाड़ी में आ ली है, वही सब बुझा रहा है आपको। ए विकास कै बजे सूरज डूबत है? 6 बजे कुछ मिनट में। इजक से तो दीदी जाते, इजक बढ़िया रहे। हम तो बिना मुंडले डूब जा। जाए
पीछे रही आगे रही ठीक है ठीक है देख ठीक है ठीक है इधर 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 चल पहुंच चुके हैं घर। अब सुबह मिलते हैं और एक ही में दोनों वीडियो सुबह का शाम का दोनों मिला के। तो चलिए अभी हम लोग का शाम का रख तो हो गया, अब होगा सुबह में। और हम भी फास्टिंग किए हुए हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, जा रहे पानी वानी पीने के लिए। तो आने के बाद कपड़ा वपड़ा चेंज करके मिल गया है चाय गर्मा गर्म, और अभी जा रहे हैं, सबको अभी चाय पी रहा है। उसके बाद अब हम जा रहे हैं सदा सदा पूड़ी बनाने और चाय सिखाएंगे। तो चलिए फिर सुबह मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं छठ घाट, और अभी सबसे पहले लगता है हम ही लोग पहुंचे हैं। देखिए कोई नहीं है, कहे कि हम गाड़ी से आए इसीलिए। और यहाँ पर पूरा महुआ, एकदम महुआ ही रहे ना, नहीं दिख रहा लेकिन। ले ले तेरे डुबा दे ओके पानी अंदर से कल ही तेरे का सानो को तो डर लग रहा है ना बेटा। तो हम लोग सब कोई आ गए हैं पानी के अंदर, और जस्ट अभी सूर्यदेव निकलने वाले हैं। और सानो बहुत डर लग रहा है, डुबकी नहीं लगा रही है। जाओ तो मौसी ने लगवा देंगे, कहीं जाएगी हां जाएगी मौसी पर। पानी पानी इधर इधर जी भैया नहा लिए है, नहा ही ना देखो तो इधर नहा तो ली है। चलो अब हम लोग जा रहे हैं। चलो अरब हो गया है, हम दोनों साथ में खाना।
सब कपड़ा देख लो, कपड़ा अपना देख लो, प्लास्टिक दे देता बाबू, प्लास्टिक दे भारी काम नहीं है, भारी प्लास्टिक नहीं भरता है। जाओ जाओ बेटा, उधर देंगे, उधर भी मांगना जाओ। अच्छी तरह से हम लोग का पूजा पाठ हो गया छठी मैया का कृपा से, सब अच्छा से हो गया और हम लोग चल रहे हैं अब, और बाकी लोग तो वहीं पर है, प्रसाद वगैरह भी ले रहा है, बांट रहा है सब। और हम आयुष सानू चल रहे हैं, सानू पूरा कपड़ा भींगा ली थी तो फिर इसको पहनना पड़ा, तो एक ठो कैसे में था डिक्की में तो पहना लिए, बच्चा लोग को देख के सभी भी पानी में घुस गई थी। और इधर हमको भी प्रसाद मिल गया है, अब पूरा कपड़ा गिल्ला है, चल नहीं पा रहे हैं, तो चलिए फिलहाल चलते हैं, अभी जाएंगे मंदिर, उसके बाद जाएंगे घर। सानू गिर गई तो इधर गोदी होके जा रही है भैया से, इतना भारी बालू है ना इसीलिए। तो चलिए आज का ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आज के लिए बाय बाय करो, आज हम पकड़ रहे हैं, बाय 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 बाय।